दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आपका मेरा चैनल आगरा वालों की रसोई में। पर आज हम आगरा वालों की रसोई में नहीं, हम अलीगढ़ वालों की रसोई में बैठे हैं और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बैंगन का भुर्ता, बहुत ही जल्दी बनने वाला, हमारी पसंद और आपकी पसंद और अलीगढ़ वालों की बोला ज्यादा खासी पसंद है, क्योंकि जी मुझ पर बनवा रहे हैं बैंगन का भुर्ता। और इसमें क्या क्या डलेगा वो हम आपको दिखाते हैं। हमने जी आधा किलो मतलब बैंगन लिए हैं और हमने इस तरीका से इस बैंगन को छीलना है हमें, इसलिए हमें बाद में मतलब बाद में छीलना नहीं पड़े। और इसमें क्या क्या पड़ेगा उसको आपको दिखाते हैं। आइए दिखाइए, दिखाती हूँ। पहला स्टेप, बैंगन मैंने छील लिए हैं, बैंगन को रख देंगे कुकर में। इस तरीका से मैंने छील के इस बैंगन को रख दिए, थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि पानी बैंगन में भर जाएगा। बस थोड़े से सीटी आ जानी चाहिए बस, और गैस हम जला देंगे। और बहुत ही इजी तरीका से मतलब ये बनेगा बैंगन का भरता। ये नहीं है कि मतलब भुनने वाला ही टेस्टी बनता है, ये बहुत टेस्टी बनता है, ज्यादातर हम इसी को बना लेते हैं। और हमने कुकर रख दिया गैस पे, इसमें लगा देंगे कुकर की ये ढक्कन और इनमें तीन सीटी मतलब मार देंगे और आपको दिखाएंगे तीन सीटी आने के बाद। हमारी तीन सीटी लग चुकी है, हम बैंगन को देख लेते हैं खोल के। बैंगन हमारे अच्छी तरीका से उबल गए हैं। बैंगन को हम निकाल लेंगे इसके अंदर प्लेट में। बैंगन निकाल लिया हमने प्लेट में। आइए दिखाती हूँ आपको दूसरा स्टेप। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है अच्छी तरीका से, गैस हमने जला दी, कढ़ाई हमने गर्म करने रख दी थी, कढ़ाई हो गई। इसमें डाल लेंगे सरसों का तेल, हम सरसों का तेल खाते हैं, आप जो सा भी तेल खाना चाहो वो डाल सकते हो। हमें सरसों का तेल की सब्जी अच्छी लगती है, इसलिए हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल को हम अच्छी एक चम्मच करीब हमने तेल डाल दिया है इसमें। तेल को अच्छी तरीका से गर्म होने दे, गर्म हो चुके हैं। हमने दो टमाटर काट के रख लिए हैं इसमें और एक हमने बड़ी प्याज काट कर ले रखी है, और ये तड़के के लिए जीरा, और ये हरा धनिया, और ये है तीन हरी मिर्च, और ये है 8 से 10 कली लहसुन की, जो भी हमने बारीक काट रखी है। और इसमें हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। हमने थोड़ी सी ले ली है सफल मटर, अगर आपके पास हो तो डाल दो, ऐसी कोई बनना जरूरी नहीं कि इसके बगैर नहीं बनेगी, ऐसे ही बन जाएगी। और हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, आइए इसमें लगाते हैं तड़का। तेल में डाल देते हैं हम एक चम्मच जीरा, एक चम्मच हमने जीरा डाल दिया है इसमें, और इसमें डाल लेंगे ये लहसुन, लहसुन को भी अच्छी से कटने दें। इसमें डाल देंगे जो हरी मिर्च, और ये डाल देंगे जो प्याज, और प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक थोड़ा सेक लें, प्याज को सिकने दें ब्राउन होने तक। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और करवाए भी करें, और आपको कमेंट करके बताया करें। प्याज हमारी भुन चुकी है, इसमें डाल देंगे टमाटर। गैस हमारी अभी थोड़ी मतलब मीडियम पे गैस कर रखी है हमारी, और हम टमाटर डाल देंगे इसमें। और हमें जो 1.5 चम्मच करीब नमक ले रखा है, हमारे 500 ग्राम बैंगन है, हम 5 से 6 लोगों की सब्जी बना रहे हैं, कम और ज्यादा उसी हिसाब से अपना नमक और मसाले थोड़ा कम कर दें, कम और ज्यादा मतलब बना रहे। इसमें हम 1.5 चम्मच ये नमक डाल देंगे, नमक से हमारे टमाटर गल जाएंगे अच्छी तरीका से। ये हमने इसमें नमक डाल दिया, नमक से हमारे टमाटर गल जाएंगे, टमाटर को भी गल लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद में हम डाल देंगे ये मसाले, इसमें डाल दिए मसाले, और थोड़ा सा डाल देंगे पानी, इसलिए हमारे मसाले जलेंगे नहीं। हमारा अच्छी तरीका से भुन चुका, हमारा जो ऑयल है ना, देखो जो आ रहा है ऊपर तेल, समझ लो जो हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरीका से भुन चुका है, जो हमारा जो ऑयल अपने आप ही आ रहा है। और इसमें डाल देंगे जो बैंगन, जो हमने बैंगन उबाले थे, इसमें डाल देंगे बैंगन, बैंगन को अच्छी तरीका से इसमें ऐसे करके नहीं मतलब भून देंगे। और जो हमने ले रखी है सफल मटर 100 ग्राम, ये सफल मटर है, ये भी इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरीका से ऐसे भूनेंगे। देखिए कलर कितना बढ़िया आया बैंगन के भरता का, बैंगन का भरता तरीका से 5-6 मिनट ऐसे मतलब भून लिया है। देगी कलर इसका कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें डाल देंगे लास्ट में ये थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला हम हमेशा सब्जी बनने के बाद में डालते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है बंद होने के बाद में। गैस हम अब बंद कर देंगे, गैस हमने बंद कर दी है। गरम मसाला और ये हरा धनिया इसमें डाल देंगे, हरा धनिया डाल दिया इसमें। अब हम इसको इसमें
दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा बना है खुशबूजी मतलब मालूम पड़ रहा है। आप भी एक बार जरूर बना के खाएं और कमेंट करके भी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग। बैंगन का भरता मेरा हमारा बनके हो गया है तैयार बैंगन का, और जिनकी पसंद में बनाया जो बच्चे खा के बताएंगे आपको बैंगन का भरता मतलब कैसे लगा। जी चावल रोटी पराठे किसी के भी साथ आप खा सकते हो, हमने बनाया पराठे के साथ, और जो बच्चे मतलब खा के बताएंगे इनको जो बैंगन का भरता कैसा लगा। और आप नमक जो भी मतलब सही है गलत है आप खा के बता सकते हो, आई आप भी खाइए। और जो बच्चे बहुत फरमाइश कर रहे हैं, कभी बैंगन का भरता बनवा रहे हैं, कभी कुलचे बनवा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी। और चैनल को लाइक करें, हमारी बुलाके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें, कमेंट करके भी बताएं कैसे आपको मेरी रेसिपी लगती है।